हे फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ओप्पो का जो कि रेनो 11 प्रो हो गया या फिर ओप्पो का है ओप्पो रेनो 11 5G हो गया, दोनों में से कोई सा भी स्मार्टफोन आज को जहाँ पे आपको बताना है कैसा आप इसमें मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड नहीं होगा तो सिम कार्ड कैसे यूज कर सकते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे अगर इसमें मेमोरी कार्ड यूज करना चाहते तो कैसे आप मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। मैं हूँ जीत कुमार, आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल लेके सपोर्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर कीजिएगा। फिलहाल चले ले जाता हूँ फोन डिस्प्ले पर। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ ओप्पो रेनो 11 प्रो हो गया या फिर ओप्पो रेनो 11 5G का, दोनों में कैसे आप सिम कार्ड को यूज कर सकते हैं। अगर आप मेमोरी कार्ड यूज करना चाहते हैं तो अभी आप कैसे यूज कर पाएंगे, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। फिलहाल ऊपर में देख लीजिए, मेरा कोई सा भी सिम आपको नहीं शो हो रहा है, देख लीजिए मैं आपको पास से दिखाता हूँ, कोई सी भी सिम कार्ड नहीं शो हो रहा है। फिलहाल यहाँ पे मेरे पास देख सकते हैं एक BSNL कार्ड, एक जियो कार्ड, एक देख रहे SD कार्ड है, देख सकते हैं तो SD कार्ड है। तो वो कैसे यूज करना है आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो वीडियो को फुल देखिएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इंजेक्ट कार्ड लेने हो, जो कि आपको यहाँ पे सिम लगाने वाला जो आपको दिख रहा होगा, जो आपको निकाल लेने हो। चलिए मैं निकाल लेता हूँ। निकालने के बाद देख लीजिए ये फोन होगा, फोन से मैं यहाँ पे सिम जो कि सिम स्लॉट है उसे निकाल लिया। निकालने के बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख रहे हो सिम स्लॉट आपको देखने के लिए मिले, तो कैसे सिम का लगाना है। तो यहाँ पे देखिए नैनो सिम लगा, डबल नैनो सिम आप देख पा रहे हो, तो इस तरह का आपको यूज करनी है। तो यहाँ पे देखिए एक ये मेरे पास दो नैनो सिम हो गया, तो कैसे आपको लगाना है। तो सिम को यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से आपको लगा दें, जो कि मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एक सिम ऐसे लगा लेने की, उसके बाद एक सिम लगाने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे डबल दूसरा सिम होगा सिम टू, और आपको यहाँ से फिर से आपको इस तरह से लगाने की, सिम को आपको पलट के लगाना है जैसे मैं आपको लाइव प्रूफ लगाया हूँ। तो इस तरह से आपको लगाना है, और लगाने के बाद फिलहाल इसमें आपको मेमोरी कार्ड यूज़ करना चाहेंगे तो इसमें आपको मेमोरी कार्ड नहीं लगेगा। अगर मेमोरी कार्ड यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए मैं वीडियोज बना दिया हूँ, जाके आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ से क्या करना है, सिम को आपको इस तरह से सिम को आपको लगा देनी। सिम को लगाने के बाद यहाँ से क्या करना है, आपको आप फोन ले लेनी होगी। फोन लेने के बाद यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है सिम स्लॉट जहाँ से आप निकाले थे, इस तरह से आपको यहाँ पे लगा देना। देख लीजिए इस तरह से आपको क्या करना है, लगा देनी। लगाने के बाद देख लीजिए मेरा जो सिम है वो इंजेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पे मैं सिम लगा लिया, ऊपर में देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे 5G मेरा कनेक्ट हुआ है, दोनों सिम यहाँ पे मेरा शो हो रहा है। तो इस तरह से करके आप अपना ओप्पो रेनो 11 प्रो या फिर ओप्पो रेनो 11 5G में आप सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड या फिर आप यहाँ पे यूज करना चाहते तो आप यूज कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।